हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे मॉस्किटो रिपेलेंट जो मशीन आती है उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। मोस्टली वो घरों में यूज होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे, टेस्ट पिन भी ले सकते हैं आप, और इसके अंदर वो लॉक लगे हुए हैं प्लास्टिक के। हल्के से इसको दबा के ओपन कर लेंगे, और ये प्लास्टिक की रिबट भी लगी होती हैं, इसको भी साइड से हम ओपन करेंगे। इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं लगा होता है, अगर ध्यान से करोगे तो ये खुल जाएगा इजीली। ये इसका एक पार्ट अलग हो चुका है, और ये भी दूसरा पार्ट निकल गया, और उसकी बॉडी। इसके अंदर दोस्तों एक एलिमेंट लगा हुआ है, जो ब्लैक कलर का है, जो इसके मॉस्किटो रिपेलेंट के ऊपर आता है और इसको गर्म करके इसको वेपोराइज करता है। और एक इंडिकेटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस। और दोस्तों एक दिखा दूँ, एक साइड में इसके जो ब्लैक सा लगा हुआ है, ये इसका फ्यूज़ लगा होता है। मोस्टली इसका यही ख़राब होता है, और हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। अगर तो चेक करना चाहते हो तो इसको मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो घर में, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करके देख लेते हैं। जो इसकी इनपुट और आउटपुट वाली जो वायर है उसको हम दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। अब हम इसको प्लग पे लगा के देखते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसका एलिमेंट खराब हो, नहीं तो ये फ्यूज जो होता है ये बलून हो जाता है और इससे जो सप्लाई आगे नहीं जा पाती। और देखिए, ये हमने प्लग पे लगा लिया और ये लाइट इस पे आ चुकी है। इस तरह हमने इसमें कुछ भी लगाए बिना इसको रिपेयर कर लिया है। आप भी इसको ऐसे रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। अब हम इसको जैसे जैसे हमने इसको निकाला था उसी तरह इसके पार्ट को फिट करके इसके ऊपर कवर लगा देंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हमारी इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आगे भी हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। ध्यान से लॉक लगा देने हैं, जैसे जैसे हमने लॉक खोले थे इसके। किसी किसी में स्क्रू भी आता है, अगर स्क्रू है तो उसको खोलने से पहले देख लेना है, स्क्रू खोल लें। और फिर से हम इसको लगा देते हैं। आप देखिए, इसमें लाइट आ चुकी है अभी और ये वर्क कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।